जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ लॉ, और पहली एप्लीकेशन किरचॉफ लॉ की क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लो इसके ऊपर, ये आएगा पेपर में, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसका न्यूमेरिकल या ये खुद टॉपिक आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत बार लिखवाने को आता है सब्जेक्टिव के अंदर स्पेशली। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है और बैटरी का अरेंजमेंट है। जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, 5 रेजिस्टेंसेस है, पांचवी रेजिस्टेंस कहते हैं गैल्वेनोमीटर की ले लो, गैल्वेनोमीटर में सुई लगी होती है, अगर करंट है तो डिफ्लेक्शन शो करेगी, करंट नहीं तो एकदम सुई जीरो पे रहती है, बस इसका यही काम है, रिफ्लेक्ट करके बताती है करंट है या नहीं। तो इसकी खुद की रेजिस्टेंस वायर की जी है, तो यहां पर 5 रेजिस्टेंसेस ले रहे हैं, पी क्यू आर एक्स और जी, ठीक है यहां तक। तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक बैटरी लगाएंगे और हर वायर में करंट जाएगा। क्या काम है इसका, काम व्हीटस्टोन ब्रिज का यह है कि मैं आपसे यह कहूंगा कि एक रेजिस्टेंस लेके आओ जिसकी वैल्यू आप मेजर करवाना चाहते हो। आप एक रेजिस्टेंस ले आए, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, उसकी कलर कोडिंग देखी, कलर कोडिंग मिटी हुई थी तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बता नहीं पा रहा, रंगों से देखते ना, कलर से नहीं बता पा रहा। तो फिर मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज खोल लिया अपना, व्हीटस्टोन ब्रिज में कहा कि लाओ अपनी रेजिस्टेंस, तो मैंने वो रेजिस्टेंस को एक्स की जगह फिट कर दिया, बाकी रेजिस्टेंसेस मेरी मर्जी की, पी क्यू आर जी वो मेरी मर्जी की, एक रेजिस्टेंस आपकी मर्जी की जिसको आपको मेजर करना है, और वो मैंने कहां फिट करना है, यहां पे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का काम क्या है कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का जिसमें आप एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू की वैल्यू को निकाल सकते हो, क्योंकि ये सब नोन रेजिस्टेंसेस हैं, एक रेजिस्टेंस जो अननोन है, मैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को भी निकाल दूंगा और इतने एक्यूरेट निकालूंगा, कलर कोडिंग तो अप्रोक्सीमेट देती है, +-20% +-10%, याद है टॉलरेंस, ये नल मेथड है इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। नल मेथड का मतलब एरर नहीं आएगा इसमें, एक्यूरेट वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की इस मेथड को यूज करके। तो बहुत बढ़िया तरीका है जिसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू हम इसमें निकाल लेंगे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां तक। तो सबसे पहले जब पेपर में आएगा तो क्या लिखेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, फिर क्या लिखेंगे, इट इज नल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि इसमें एरर नहीं आता। फिर क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स। ये भी क्लियर है। फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या बनाएंगे, डायग्राम, और फिर इसकी वर्किंग से इसको प्रूफ करेंगे। डायग्राम के केस में आप एक काम कर सकते हैं, जो मैंने बुकलेट में डायग्राम बनाया हुआ है उसमें ना ये एक्स लिखा हुआ है, इस सबसे पहले इस एक्स की जगह काफी बुक्स एस लिखती हैं और मैंने थ्योरी में एस यूज किया हुआ है, इसको एक्स को काट के एस करो पहले, एस, तो अपनी थ्योरी बुकलेट में एक्स की जगह एस, तो एस इज द अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है यहां तक। तो देखो मैं कैसे काम करूंगा इसमें, इसको एक बार देखते हैं। तो इसके लिए व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो आप डायग्राम साथ में चाहे बना लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें। लो तो डायग्राम बना लो इसमें, जिसके अंदर ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है, ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है, बीच में लगाऊंगा मैं इसके, ये आपकी दूसरी रेजिस्टेंस है, ये आपकी तीसरी रेजिस्टेंस है और ये आपकी चौथी रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस या गैल्वेनोमीटर बीच में लगा हुआ है। मैं डायग्राम फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, एक बार थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को डायग्राम, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर लगेगा, ये एक वायर जिसमें क्या लगी हुई है, बैटरी कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस लगा लो एक, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज कितनी है, पी, यहां पर गैल्वेनोमीटर जी, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है,
आर चेक कर लो, पी ए आर है कि क्यू है, क्यू है, ओके क्यू ले लेते हैं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू इसकी वैल्यू क्या है आर और इसकी वैल्यू क्या है एस, ठीक है, और कीज प्रेस दें, क्योंकि की तो प्रेस करनी पड़ेगी तभी ये काम करेगा, तो कैसे काम करेगा, तो की दोनों प्रेस करनी है, की बनाओ मत ऐसी कर दो बस, तो भी सही है, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें करंट की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी पड़ेगी, इसमें कैसे होगी, देखो ध्यान से, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन में ये ईएमएफ इसकी ई है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, करंट यहां से आएगा आई, वो आई करंट यहां तक पहुंचेगा आई, और दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे ही होगा स्प्लिट हो जाएगा, तो मान लो पी के अंदर करंट कितना गया आए वन, तो बचा हुआ इसमें चला गया कितना आए माइनस आए वन, कोई डाउट इसमें, ठीक है ना, तो आए एक में आए वन, तो एक में बचा हुआ आए माइनस आए वन, ताकि टोटल रिमेन्स आए, फिर आए वन करंट इस जंक्शन पे आया, इस जंक्शन के नेमिंग क्या है, ये डी पॉइंट है, चेक करो बी है और ये क्या है डी है और ये ए है और ये सी है, ओके तो ये सी है, ठीक। नेक्स्ट है इसके अंदर आई वन करंट आया, ये आई वन करंट फिर जंक्शन पे डिवाइड हो जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा और कुछ करंट इसमें जाएगा, तो इसमें सपोज कितना चला गया आई टू, तो बचा हुआ कितना है आई वन माइनस आई टू इसमें चला गया, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है इसमें आया आई टू, इसमें आया आई माइनस आई वन, दोनों जंक्शन में मिलेंगे इनकमिंग, तो आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, सम क्या है आई माइनस आई वन प्लस आई टू, सही है, तो ये करंट आ गया, क्लियर है। ये आई करंट आया, आई वन बचा हुआ आई माइनस आई वन, आई वन आया इसमें से आई टू, इसमें से आई वन माइनस आई टू, ये आई टू आया, ये आई माइनस आई वन आ गया, दोनों मिल गए यहां चले गए। अब यहां से ये करंट आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, दोनों जंक्शन में मिलेंगे, मिलके ऐड करो आई टू से आई टू, आई वन से आई वन, कैंसिल, क्या बचा आई, एक बात तो पक्की है मेरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है, क्योंकि आई करंट गया था, आई करंट वापस आ गया, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये लूप नंबर वन लेंगे पहले, इसमें लगाएंगे, चलो बोलो किरचॉफ लॉ कैसे लगेगा, मैं ए से स्टार्ट होकर वापस ए पे आना चाहता हूं, तो जब मैं ए से बी जा रहा हूं तो ये लूप नंबर वन है, जब मैं ए से बी पे जा रहा हूं तो माइनस आई वन इंटू कितना पी, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव, राइट। फिर मैं नीचे आ रहा हूं, नीचे आने में एक बार फिर से माइनस आई टू इंटू रेजिस्टेंस कितनी है जी, फिर मैं इधर जा रहा हूं लेकिन करंट मेरे ऑपोजिट आ रहा है, तो क्या करेंगे प्लस आई माइनस आई वन इंटू कितना आर, मस्ट बी इक्वल टू क्या जीरो, डाउट इसमें, किरचॉफ लग गया, ठीक। यहां से आए माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन इंटू पी प्लस आई टू इंटू जी, क्या स्टेप क्लियर है, राइट। नेक्स्ट है, अब मैं अगर लूप चेंज करूं और लूप नंबर टू पे आऊं, ये मेरी लूप नंबर टू है, ये वन है, तो बी से स्टार्ट करते हैं, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो माइनस आई वन माइनस आई टू इंटू क्यू, करंट की डायरेक्शन में, अब करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस एस इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू, फिर करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई टू इंटू जी, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, सही है, किरचॉफ लॉ लगा लिया। अब एक इस टर्म को यहां ले जाते हैं,
तो या इस टर्म को यहां ले जाते हैं, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। तो जब इस टर्म को यहां लेके जाएंगे तो एस आई माइनस आई वन प्लस आई टू जी इज इक्वल टू आई वन माइनस आई टू इंटू क्यू, इक्वेशन नंबर टू लिख लो यार। ये सर वहां पे माइनस आई टू जी नहीं आना चाहिए कहां पे, इधर जो, यस सर। नहीं, देखो मैं ऐसे ऊपर जा रहा हूं ना और करंट के ऑपोजिट जा रहा हूं, तो प्लस आएगा ना, प्लस आई टू जी। ओके सर, यस सर। हाँ जी ठीक है, यहां तक, क्योंकि बुकलेट में किसी और तरीके से लिखा हुआ, आप अपना लिख लो, डायग्राम बना के अपना ही लिख लो, किसी कॉपी पे या जहां बनाना है। फर्स्ट में मैं कैसे कर रहा था, ऐसे गया, फिर मैं ऐसे आया, जब मैं नीचे आया करंट की डायरेक्शन में आया तो माइनस आई टू जी, और दूसरी लूप में मैं ऊपर जा रहा हूं तो इसलिए प्लस आई टू जी, करंट की डायरेक्शन में आएंगे तो नेगेटिव। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ तक क्लियर है, दो इक्वेशंस आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को एस निकालना है, ठीक है, पी क्यू और आर मेरी मर्जी की, मैं जो मर्जी यूज करूँ आपको कोई टेंशन नहीं, आपको तो एस चाहिए ना, मैं आपको एस दूंगा। अब मैं ये चाहूंगा कि पी क्यू आर मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, इंपॉर्टेंट है, पी क्यू आर मैं ऐसे सेलेक्ट करूं कि बी पॉइंट का और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाए। क्यों? अब रेजिस्टेंस चेंज करने से पहला क्वेश्चन, यहां और यहां के पोटेंशियल का क्या लेना देना, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है। वो ये, आप एक मिनट सोचो कि यहां ए ये बी पॉइंट है, तो वी ए माइनस वी बी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या बनेगा, आई वन इंटू पी, सिंपल, वी ए वी बी करंट इंटू रेजिस्टेंस। ऐसी वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू करंट कितना है इसमें, आई माइनस आई वन इंटू कितना, आर, लिख लिया। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को माइनस करूं तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो यहां से वी डी माइनस वी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई वन पी माइनस आई वन इंटू कितना, आर, जिसमें वैसे लिख के दिखा, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो मतलब मैंने यहां ओम नो लगाया, यहां लगाया, तो दो इक्वेशन है, दोनों को माइनस करके ये आ गया। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं पी और आर के रेजिस्टेंस को चेंज करूं, अगर मैं पी और आर के रेजिस्टेंस को चेंज करूं तो मेरा करंट भी ब्रांचेस में चेंज होगा, और रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज होगा। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर मुझे मिल जाए, अगर मिल जाए, देखो करना बहुत मुश्किल है, हिट एंड ट्रायल है, मैं पी और आर सारा दिन चेंज करता रहूंगा बैठ बैठ के, तो कभी ना कभी हो सकता है एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो जिसमें इसका प्रोडक्ट क्या आ जाए, सेम। अगर वो सेम आ जाए तो ये टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली वीडी का पोटेंशियल किसके इक्वल आ जाएगा, वीबी के इक्वल, अगर ऐसा हो जाए तो।
और मुझे पता कैसे लगेगा कि ऐसा हो गया? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उसी टाइम क्या हो जाएगी? जीरो। क्यों? क्योंकि जब यहां और यहां का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो, नो करंट। तो गैल्वेनोमीटर की फटाफट रीडिंग क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर ऐसा हो जाए, पोटेंशियल सेम हो जाए, ऊपर नीचे के पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, करंट आई टू जीरो हो जाए, गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं कि ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। इसे बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो इसकी, सबसे पहले ब्रिज को क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड। इसे समझाने के लिए लिखा, आपको नहीं लिखना ऐसा कुछ भी, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा। तो हम सिंपल एक लाइन लिखेंगे इसमें, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम नहीं करेंगे इसमें, हम इसमें क्या करेंगे, तो देखो हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि वैल्यूज ऑफ पी क्यू एंड आर आर सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट, वैल्यूज ऑफ पी क्यू लिख देता हूं यहां पर, वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर सेलेक्टेड इन सच अ वे दैट वी बी बिकम्स इक्वल टू वी डी, ताकि वी बी किसके इक्वल हो जाए? वी डी के। और अगर वी बी वी डी के इक्वल है तो आई टू उसी टाइम क्या हो जाएगा? जीरो। तो आई टू उसी टाइम क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो आई टू जीरो हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, मैं जरा एक मिनट सिर्फ ये वाली इक्वेशन रखना चाहता हूं, पहली पहली वाली, और एक इक्वेशन दूसरी वाली बस, और मुझे नहीं चाहिए, ये लो। ठीक है, तो ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तक आई टू जीरो हो जाए। और अगर ऐसा हुआ कि I2 की वैल्यू क्या हो गई इसमें? जीरो हो जाए। तो ऐसे केस में देखो अब हम क्या करेंगे, ऐसे केस में, ठीक, इस इक्वेशन में जब I2 जीरो होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। I2 जीरो हो गया, और इस टर्म में ये वाली जीरो, ये टर्म पूरी की पूरी जीरो, ये भी जीरो, I2 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 हर जगह क्या हो गया? जीरो। ठीक, तो आपके पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, I माइनस आई वन इंटू आर इज इक्वल टू आई वन इंटू पी, ये नई इक्वेशन बन गई आपके पास। I2 की वैल्यू क्या पुट की मैंने इसमें? जीरो। और जब I2 जीरो है, इसे क्या बोलते हैं? इट इज अ केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो आपका I2 जीरो करके ये इक्वेशन आ गई, और इसके अंदर क्या इक्वेशन आ गई? S इंटू आई माइनस आई वन, और यहां से क्या बचेगा? I1 इंटू क्यू, फोर्थ इक्वेशन। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुट I2 इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर वन एंड टू, पुट I2 इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन नंबर वन एंड टू, एंड वी गेट इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर। थ्री एंड फोर लिख लो, I2 को जीरो पुट करके वन एंड टू में थ्री और फोर आ गया। और फिर लास्ट स्टेप, थ्री और फोर इक्वेशन को क्या कर लें? डिवाइड। तो जब इसे डिवाइड करेंगे, ठीक, तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो आई माइनस आई वन इंटू आर, आई माइनस आई वन इंटू एस, आई वन इंटू पी, आई वन इंटू क्यू, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? आर बाय एस इज इक्वल टू पी बाय क्यू। तो यहां से S की वैल्यू क्या आएगी? R इंटू क्यू डिवाइडेड बाई पी। तो हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या सीखा था कि अगर R बाय S या R बाय P इज इक्वल टू S बाई क्यू, मतलब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्या बड़ी बात है। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा कि अगर R बाय S P बाई क्यू के इक्वल है, इसे लिख लो, पहले दिखाता हूं डायग्राम, अभी इसे लिख लो,
इस डायग्राम को अगर हम देखें, इस डायग्राम को, तो मैंने क्या प्रूव किया, एक बार चेक करो। मैंने ये प्रूव किया कि R बाय एस, ये किया ना, R बाय एस इज इक्वल टू P बाय क्यू, या उल्टा भी तो ट्रू है, P बाय क्यू इज इक्वल टू R बाय एस, एक ही बात है। तो एक बात बताओ, हमने क्या क्लास में किया था कि अगर P बाय क्यू की रेशियो R बाय एस के इक्वल हो जाए तो आप इसको हटा देना। क्यों? क्योंकि ये ब्रिज क्या माना जाएगा, बैलेंस्ड, और बैलेंस स्टेट में I2 क्या हो जाता है, जीरो। तो समझ में आया हम ऐसा क्यों करते थे, ठीक है यहाँ तक? तो जब आपके एग्जाम में ये आएगा तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज, नल मेथड है, फिर आपने प्रिंसिपल लिखना है, किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट पे बेस्ड है, फिर कंस्ट्रक्शन में वो डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन में फिर आपने लूप नंबर 1 और 2 में किरचॉफ लॉ लगाना है, ये 1 और 2 इक्वेशन बनेगी, फिर आपने लिखना है वैल्यूज ऑफ पी क्यू आर इज सिलेक्टेड इन सच अ वे दैट वी बी इज इक्वल टू वी डी, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, ऐसे केस में आई टू क्या हो जाएगा, जीरो, और ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड। ये भी लिखना है, ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो ऐसे केस में दोनों इक्वेशंस में तो आप I2 को जीरो पुट करोगे तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आएगी, डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा। यहां तक सबको क्लियर है?